सो गाइस वेलकम बैक टू एंडिंग गेमर चैनल। यार आज एक और नया वीडियो है हमारे गेंशिन इंपैक्ट के पार्ट का। भाई सेकंड टेंपल के अंदर हमें जाना था, जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा होगा। था यार मैंने कहा था कि यार ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, इसी वजह से मैंने वो उस वीडियो को वहीं के वहीं पॉज कर दिया और वहीं के वहीं रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। पर यार इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड टेम्पल तक जाके रहेंगे। और यार जैसे ही मैं टेम्पल पर जा रहा था तो यार बिल्कुल जस्ट सामने ही इतना बड़ा कैंप लग रहा था हिलीचल्स का, जो अभी तक हमने कहीं पर नहीं देखा। और जो भी इससे पहले हमने देखे थे वो सारे के सारे ऐसे थे जिसके अंदर जैसा था चार होते थे, पांच होते थे, पर यार यहाँ पर तो बहुत सारे। ये तो बस सिर्फ आधा से भी आधा पार्ट समझ लो, ये इतने हिलीचल्स हैं जो हमारे सामने अभी खड़े हुए हैं। यानी कि आप वन थर्ड समझ लो, वन फोर्थ तो नहीं, तो वन थर्ड ये हिलीचल्स हैं जो कि ये चार पांच हैं इस कैंप के। यार आधे आधे कैंप में यार ये ऐसे ऐसे टूटे पड़े हुए हैं इस साइड में। अभी तो पहले मैं इनको, इन सारे चार पांच जो हिलीचल्स हैं, इन सबको मारता हूँ। यार इन सब के पास में कुछ अलग अलग टाइप की पावर है। एक के बाद में तो यार फ्रीज करने की पावर थी, पिछले वाले के पास में हमने जो देखा था हिलीचल यार उसके पास में यार विंड लाने की पावर थी। तो भाई ये वाला जो इसको मैं तीर मार के खत्म कर दे रहा हूँ, तो ये तो यार इसके पास में कोई पावर नहीं है। इसके पास तो सही तो सीधा यार इसके पास लट्ठा है साथ में और मारते जा रहा है। पर जो इसकी हेल्थ है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो यार उसकी एच पी है वो बहुत देर में डाउन हो रही है। नॉर्मली हिलीचल्स की आराम से एच पी डाउन हो जाती थी थोड़े से तीरों के अंदर, पर ये वाले हिलीचल्स यार इनकी एच पी थोड़े टाइम में डाउन हो रही है। तो चलते हैं यार आगे वाले हिलीचल्स को देखते हैं। यहाँ पर यार और भी सारे हैं ये टेम्पल के पास में और हिलीचल्स डोलते रहते हैं। यार ये टेम्पल का इन्होंने बिल्कुल ही खराब करके रखा है सारा सीन। इसको तीर मारता हूँ, इसको पहले परेशान करते हैं, पीछे से जब ये हमारे पास में आएंगे तो यार इनको वापस से उठा उठा के यार गरम गरम तीर मारेंगे इनके शरीर सर पर। यार इसने तो ढाल लगा दी, इसके पास में शील्ड है, तो भाई इससे थोड़ा सा दूर होकर इनको इस पर तीर लगाने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं दूर भाग कर इस पर वापस से तीर चलाता हूँ। हाँ जल्दी से इस साइड से इस पर चढ़ जा, इस पर चढ़ने के बाद मैं ना इस दीवार पर चढ़ जाऊँगा। मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये सामने ये हिलीचल और आ गया, पहले तो इसे ही मार डालूँ, बाद में चढ़ूँगा दीवार वीवार पर। तो भाई ये हिलीचल है ना यार बहुत ज़्यादा उदम मचाते रहते हैं पूरे टाइम भर। अब ये कहाँ गायब हो गया यार, कुछ देर पहले तो यार हमारे सामने था यार, एक साथ गायब हो जा रहे हैं। पहले यार इससे पहले इसका साथ में एक और था यार, वो भी गायब हो गया यार ऐसे, पता नहीं कहाँ पर जाए जा रहे हैं। कहीं ये बार बार जाकर कहीं और छुप तो नहीं जाते, छुपी गए, ये दिखाई तो दे ही नहीं रहे। यहाँ से पूरे जंगल को यार एक्सप्लोर करना पड़ेगा यार वापस से इनको। यार हिलीचल्स को यार मंदिर के आसपास से तो हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो यार ये टेंपल को यार बिल्कुल ख़राब करके रखा है। अंदर से भी कितने बेकार हो गए हैं टेंपल, उसके अंदर भी घुस जाते हैं। हाँ यहाँ पर ही हैं इन सबको, है ना, लाइन लाइन से यार अब इनको सेट कर देता हूँ सभी को। जल्दी से साइड में बुलाता हूँ और यहाँ से दूर से तीर चलाऊंगा यार, क्योंकि एक के पास में तो शील्ड है तो इस वजह से उससे तो यार बच के ही रहना पड़ेगा। इन सबको यार मार देता हूँ। भाई ये जो शील्ड वाला है ना बहुत जल्दी जल्दी मेरे पास में आ रहा है, पहले यार इससे दूर भाग भाग कैसे मारूंगा। अबे ये कहाँ भाग रहा है वापस से, इसका यार पीछा करना पड़ेगा यार। कहाँ कहाँ पे चले जाते हैं बार बार, वापस चले गए सारे के सारे हिलीचल्स यार। इनका तो यार कुछ अलग ही लफड़ा लग रहा है मेरे को, ये वापस अपनी जगह पे जाए जा रहे हैं। इनको यार बस अपना कुछ एरिया मिला हुआ है कि उसके अंदर ही बस इनको अपनी जगह की सिक्योरिटी टाइट रखनी है, तो यार वापस बाबा वहीं पर ही चले जाते हैं। अच्छा ये अपनी पावर्स को बढ़ाने जा रहे हैं यार, ये अपनी पावर्स को बढ़ाए जा रहे हैं। इस बार मैं इनको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा, यहीं पर ही इनको यार मारते रहूँगा। इस तरफ ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा दूर लेके आऊँगा, पर इससे ज़्यादा दूर नहीं लेके आऊँगा यार, अभी इन्हीं को ही मारना पड़ेगा। और लाऊंगा तो बिल्कुल पास में रखूंगा उनको, जब ही लेके आऊंगा अपने दूर। भाई वो वाला तो भाग गया, चलो इसी को मैं लपेटे में ले लेके इसी को मार लेता हूँ पहले, तो ऐसा करता हूँ। नहीं वो भागा नहीं अभी यार, ये भागने लगते हैं वापस। नहीं ऐसा लगता है बीच बीच में जैसे भागना शुरू हो गए हैं। एक तो इनमें से भाग ही गया, पहले तो लगा था कि वो भागा नहीं पाया, वो भाग ही गया बाद में, वो अपने वापस अपनी पावर बढ़ाने चले गया। तो यार इसके पीछे मेरे को जाना पड़ेगा जल्दी से, ये भी बहुत जल्दी से अपनी पावर बढ़ाने के लिए जा रहा है। यार पहुंच गया, इसकी पावर वापस से बढ़ गई। जैसे इनकी पावर बढ़ जाती है अपने दुश्मन के बारे में तो ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि पता नहीं हमने इनको मारा था भी कि नहीं। तो यार ये आ गए हैं तीनों के तीनों यहीं पर ही हैं। तो यार इनको है ना अब इन्हीं के एरिया के पास में मारते रहूँगा, ये अब पास में अपनी पावर लेने नहीं जा पाएंगे क्योंकि बिल्कुल ही पास में, अब यहाँ से कहाँ पावर लेने जाएंगे और इनको इतना टाइम भी कहाँ मिलेगा पावर लेने का। तो इसी वजह से यहीं पर ही मारते रहूँगा। ये शील्ड वाला बहुत ज़्यादा ड्रामे दे रहा है, पूरी शील्ड लगा लेता है, पूरा अपना सिक्योरिटी बना के रखता है और इसकी हेल्थ यार थोड़ी भी कम नहीं हो रही जब से। भाई वो गया उसको भी पहले पहनता हूँ यार, उसकी वापस से हेल्थ बढ़ गई। यार ये इतनी जल्दी हेल्थ बढ़ा लेते हैं, इनको यार कोई टाइमिंग की ज़रूरत ही नहीं है कि थोड़ी देर भी इनको टाइम लगता हो, इनकी हेल्थ तुरंत की तुरंत बढ़ जाती है अपनी उस जगह पे जाने के बाद में। भाई अब इनका क्या होगा, इनको यार बहुत ज़्यादा देर तक यार इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी यार।
इनके साथ में यार ये लड़ाई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मेरे को टेंपल में उस ड्रैगन की पावर का सोर्स भी यार फोड़ना है, क्योंकि यार उसकी पावर का सोर्स उस टेंपल से ही आ रहा है, तो यार उस टेंपल के अंदर जाना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर मेरा क्या इंतज़ार कर रहा है, ये वाला मूव मेरा काफ़ी अच्छा लगा। एक और बार यार ये वाला मूव करके ट्राई करूँगा अभी थोड़े टाइम में, बस एक और बार ये लो हो गया। तो यार एक बंदा तो मर ही गया, अब ये पावर नहीं ले पाएगा, और दूसरा भी मर गया, बस ये दो रह गए। इनको यार मैं और फेल डालता हूँ बस यहाँ पे ही। अरे नीचे से मिट्टी उठा के डेल बना के मार रहे हैं यार, हमें पूरा बॉल बना के यार हमने मारे जा रहे हैं, इस वजह से इसको पहले पेलना पड़ेगा। यार मेरी 50 HP कम करती इसने तेरी, ऐसी जैसी रुक तेरे में लगातार तीर चलाऊंगा, थोड़ा भी नहीं रुकूंगा अब। खैर आधे से ज़्यादा पावर तो यार मैंने इसकी कम कर दी है। दूसरा वाला है ये तो थोड़ी देर के अंदर ही घायल हो जाएगा, ये थोड़ी देर भी नहीं टिक पाएगा हमारे सामने। पर यार वो अपने ना यार बॉल बना के मिट्टी की और हम पर फेंके जा रहा है, हमारी बहुत HP कम कर दे रहा है ये तो। इसका ख़त्म, इसका काम ख़त्म, इसकी पावर यार मेरे को जल्दी से मिल जाए, पर पावर मिल ही नहीं रही यार इनकी। देखा इस बार मैं कैसे इसकी बॉल से, वो भी मिट्टी की बनाई हुई, उससे कैसे बचा। अब तो गया, इसकी शील्ड गई, अब नहीं बचेगा ये, अब तो इसके तीर से यार इतना छेद कर दूंगा कि पहचान में नहीं आएगा अब ये। अब वहाँ पर तीन और डोल रहे हैं, ये तीन बड़े बॉस बने डोल रहे हैं ना, लेवल 12 के भाई। भाई यार ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हैं, इनको तो चलो मैं आकर देखूंगा वहाँ से। टेम्पल पर चलता हूँ अभी डायरेक्ट सीधे, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा हेल्थ मेरे पास है नहीं, और मेरे यार जो पहला वाला कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर, उसमें मैं स्विच करके यार इनसे लड़ नहीं सकता, उसकी भी क्योंकि हेल्थ नहीं है। भाई यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई कि इतनी ऊंचाई से मैं कूद गया गलती से। मेरे को लगा कि यार अपने आप मैनेज कर लेगी समाओ, अपने पंखों को खोल लेगी, पर मैं अपना पंख खोलना ही भूल गया। तो यार ये रखाया हमारे सामने खड़ा ही है। स्काया के भी अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मैं कैसे स्मेल कर सकता हूँ कंप्यूटर में से। समथिंग मस्ट हैव हैपेंड इन द टेंपल। I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever is giving Storm Terror extra power. Oh yes, it is going to be lively in there indeed. हम बहुत ब्रेव बंदे हैं, तो ब्रेव वाला थोड़ा अपना कमेंट देंगे। Oh, you're quite the brave one, aren't you? It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings to the four winds anymore. चलो चलकर देखते हैं अंदर की तरफ। Yet the old winds never vanish. चलो भाई चलो, बातें हो गई हो तो। We need to clear out the temples for the four winds. ऐसा एम्बर बन लेता हूँ, क्योंकि यार हमारे मेन कैरेक्टर के पास में तो बिल्कुल भी HP नहीं है, मैं कैसे लड़ पाऊंगा उसके अंदर। अब ये काया भी यार दूसरे गेट पे जाकर खड़ा हो गया। Let me show you how the knights of Favonius conquer our adversaries. अच्छा दिखाओ तो फिर, सही है मैं तो मेहनत ना करना पड़े। अरे भाई साहब हमारा कायन ये वाला कैरेक्टर भी खुल गया है, यकीन नहीं था यार इसको देखने में पहली बार की इसको और इसकी पावर को हमें संभालने का मौका मिलेगा। और यार ये मौका अभी हमारे पास में, इस मौके को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। भाई इसकी तलवार देख रहे हो आप, कितनी बड़ी तलवार है, हमारे जो मेन कैरेक्टर है उससे यार खतरनाक ज़्यादा लग रही है मेरे को ये वाली तलवार। और यार देखो ये तलवार से यार फ्रीज भी छोड़ता है, बड़ा ही खतरनाक है यार। चलो देखते हैं यहाँ से यार दुश्मन दिखाई दे जाएं तो। मेरे को तो यार यहाँ से कोई दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें से एक्सरे टाइप का सीन करके भी वहाँ पर कुछ जल रहा है बस इतना समझ आ रहा है, और दुश्मन तो यार थोड़ा भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ तक पहुँचना है हमें। अच्छा अरे दुश्मन तो सामने ही है, उसके एक्सरे की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और एक्सरे ने हमें दिखाया भी नहीं सकते नहीं, तो इन दुश्मनों के पास में चलते हैं या फिर ट्राई करते हैं कि यार डायरेक्टली हम सीधे वहीं पर ही पहुँचाए, क्या इन दुश्मनों को मारपीट करेंगे। जल्दी से हम ड्रैगन की पावर का सोर्स कट करते हैं यार, ये छोटे मोटे लुच्चे लपाड़ों को मार के यार हमें मिलेगा ही क्या। डायरेक्टली हम सीधे वहीं पर ही चलते हैं ना ड्रैगन की पावर का सोर्स के पास में, हम ड्रैगन की पावर को देख पाएंगे भाई, वो देखना भी यार उसकी पावर को बड़ा ही अच्छा लगेगा यार। यार लग रहा है इस पर हम चढ़ नहीं पा रहे, मैंने चढ़ने का ट्राई करा था इस पर चढ़ ही नहीं पा रहे।
तो चलो यार इनको मारना ही पड़ेगा, मैं वन बाय वन करके सबको मारना पड़ेगा और इस गेट को खोलना पड़ेगा जो इनके सामने दिखाई दे रहा है हमें। मेरे को लगा हम डायरेक्टली ऊपर दीवार के ऊपर से होते हुए चले जाएं, तो यार ऐसा हो नहीं पा रहा। ये जमा डाला यार मैंने पहले तो, ताकि यार मैं इस पर खड़ा हो पाऊँ। और यार यहाँ पर मेरा पानी कुछ ज़्यादा ऊँचा भी नहीं है, जिस वजह से मैं पानी में डायरेक्टली सारी फाइट कर ले रहा हूँ। ले ले तू, ले ले तू पानी की बौछार ले तू। फिर तुम पानी में तो ऐसे रह रहे हो जैसे कितने नहाने वाले इंसान हो। खत्म, इनका खेल खत्म। यार काया की है ना तलवार बड़ी खतरनाक है यार, इसने यार थोड़ी ही देर के अंदर सबको यार पूरी पानी चटा डाली। चलो ले लेते हैं फिर भी। यार मेरे मेन कैरेक्टर और एम्बर के पास में बिल्कुल एचपी नहीं रही, पर काया के पास में बहुत सारी एचपी है, इसकी वजह से हम काया को यूज़ करेंगे यार। और दूसरे कैरेक्टर को हम यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि इतनी एचपी है रही नहीं हमारे पास में। तो चलो सारे डब्बों को यार फोड़ लिया जाए एक बार। यार वहाँ पर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, इसको भी ले लेते हैं, बक्से को खोलते हैं। चलो यार मैं ये कैरेक्टर बन के इस वजह से सारा सामान ले रहा हूँ क्योंकि यार क्या पता ये किसी और के खाते में चले गया, जैसे कि काया के खाते में चले गया ये सारे के सारे जो हम रिवॉर्ड ले रहे हैं बक्से के, और उसी में से यार एनर्जी मिलनी हो, और यार उसके पास तो बहुत सारी वैसे भी एनर्जी है तो वो करेगा ही क्या। तो इस वजह से यार मैं सोच रहा हूँ कि इस कैरेक्टर को एनर्जी मिले मिले तो। अच्छा यहाँ पर आ गए हम, इसको तो नॉर्मली हमें फ्रीज कर देना होगा, इसमें क्या बताने वाली बात है। हाँ हाँ समझ गया भाई समझ गया। चलो चलो जल्दी चलते हैं यार, ये डब्बे को भी खोल लेते हैं। अबे डब्बे में से ये निकला है पहली बार यार, अजीब सी चीज़ निकली है। नहीं नहीं कुछ और भी चीज़ें निकली थी वो हमने ले ली साथ ही में, हमें डायरेक्टली अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल गई है। तो पहले यार अब इन्हें मार देते हैं, अगर ये ज़्यादा बड़े बबल होते यार मेरे पास इनके लिए एक प्लान था। इनको है ना मैं उस तरफ आग की तरफ ढकेल देता, एक ही बार में वेट होकर ये गायब हो जाते, इनका यार खात्मा हो जाता। चलो तो इसको भी फ्रीज कर देते हैं और जल्दी से आगे चलते हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं रहा यार हमारा जो मेन जगह थी, जिस जहाँ पर काया ने कहा था कि यहाँ पर हो सकती है इनकी पावर का सोर्स, तो यार वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर नीचे से हवा निकल रही, तो यहाँ पे हमें यार अपनी बस विंग निकालनी है और सीधा हम ऊपर की तरफ पहुँच जाएंगे। लो आ गए हम अपनी जगह पर, यही है इसका, फिर इसके ऊपर है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। नहीं इसके ऊपर नहीं है, बस यही जगह है, समझ आ गया। इस डोर को खोलते हैं एफ दबा कर। ये मंदिर यार छोटे मोटे मंदिर में भाई बहुत ज्यादा ही जादूगिरी वाले मंदिर लग रहे हैं ये तो, इसके अंदर कितनी सारी पावर्स हैं। यार इस एक्सरे टाइप की चीज़ का यार मेरे को कोई भी फायदा नहीं दिखाई दे रहा यार, अगर होता वो हो तो यार पता नहीं मेरे को, अभी तक तो मेरे को कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दिया यार यहाँ से, ना ही दुश्मन का कुछ पता चल पाता, ना ही कोई जो हमारी मेन चीज़ है उसके बारे में भी नहीं पता पड़ पाता यार। यार कितना बड़ा ये आग का गोल मटोल हीट ब्लास्ट है, इसके यार बच्चे भी आ गए भाई, ये पूरी साइड में से हवा भरकर हम पर यार आग के छोटे छोटे गोले भी बरसाने की कोशिश कर रहा है। इन सारे बच्चों को जमा देता हूँ, ऐसा करता हूँ यार, जमते ही नहीं यार पूरे बच्चे यार। यार की पावर बहुत कम हो गई, जो हमने ई दबा के जो अपनी फ्रीज वाली पावर इस्तेमाल करी थी, इससे पावर इनकी यार बहुत कम हो गई। अच्छा इस स्टोन पर हमें यार एक बार अपना पावर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यार ये तो बहुत ज़ोरों से यार करे जा रहा है यार, ये तो मान ही नहीं रहा, जोर जोर से उछल रहा है। बस खत्म, तेरा काम खत्म बे, इतनी देर नहीं लगे रहने का यार मेरे को, मैं यार बहुत ही कम टाइम देने वाला इंसान हूँ अपने दुश्मनों को भी। छोटी छोटी देर के अंदर सबका काम खत्म, इतनी जल्दी किस बात की है। अच्छा ये पूछ रहे हो, इतनी जल्दी यार मेरे को इस बात की है, पूरा मिशन पार करना है। पीछे वाला वीडियो यार बहुत बड़ा हो गया था। ये अंडा वापस से आ गया, वापस से बारिश हो जाएगी फिर तो यार यहाँ पे, ये बारिश के लिए ये अंडा यार यहाँ पे। हम सभी ने यार अंडों से चूजे निकलते हुए तो देखे थे, अब बारिश निकलते हुए भी देख लिया मैंने आज। तो यार यहाँ पर बस थोड़ा सा दूर और रह गए यार, तकरीबन हम पहुँच ही गए। ये क्या है, अच्छा एक कांटे निकले हुए हैं यहाँ से,
भाई ये कांटों पे यार चल के तो हमारा हालत ही खराब हो जाएगी। अच्छा हो हमारे पास फ्रीज वाली पावर थी, हमने पूरी इस्तेमाल करी। तो मेरी फ्रीज वाली पावर रिस्टोर हो रही है, वो गई रिस्टोर। चलो वापस से इस्तेमाल करता हूं, उस तरफ जाके इस्तेमाल करूंगा यार। बस पहुंच गया मैं। वैसे तो यार यहाँ से कुछ हमें फायदा दिखाई नहीं देता, पर एक और बार देख लेते हैं यहाँ पर खड़े होके। कुछ भी नहीं, बकवास, एक नंबर बकवास है ये तो। एक और अंडा दिखाई दे रहा। अच्छा ये रहा। Seems probable. Let's deal with it. Bravo. What a performance. You are, to my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. I see you already have the knightly virtue of modesty. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom, well into the future. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Quite rewarding, no? We've seized another temple from Storm Terror's grasp. Paimon kitni yaar mast lagti hai na? I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then, bye-bye. There's no way Hilly Churls organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Bhai, ye kaun aa gaya? Thus you were behind this. Bhai saab. ये एक और नई बला आ गई यार, हम तो वहां से चले गए और यार ये अकेला इसको लौटना पड़ेगा क्या? और अब ये कौन है यार? भाई नया कैरेक्टर आ गया है यहाँ पर तो कोई। Knights of Avonius, always so inefficient. बेस्ती मार रहा है ये तो इसकी। But your involvement in this just made things a whole lot more interesting. यार वैसे जब हमें पहली बार एक काया कैरेक्टर मिला था तो यार उस पे लिखा हुआ था बस ट्रायल के लिए मिला हुआ है। हमें नहीं पता था कि यार ये हमेशा के लिए मिल जाएगा। यार अच्छी बात है यार, ये हमेशा के लिए हमें मिल गया है। तो यार वैसे भी मेरी लाइफ बहुत कम है यार, एम्बर और मेरी जो मेन कैरेक्टर हूँ जो मैं, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं काया को यार स्विच कर लेता हूँ, क्या पता है ये यहीं पर ही ना टपक जाए। और भाई आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें यार, दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा यार शायद क्या पता उसके अंदर रिवील हो जाए कि वो नए कैरेक्टर दो कौन थे, जो गुंडा था यार वो बहुत अजीब सा था वो कौन था, और साथ ही में जो जिसने मारा उसे वो कौन था। तो जब तक के लिए यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नोटिफिकेशन से आपके पास हमारा नया वीडियो आ जाए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।